हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका नया टॉपिक है 9.3 में द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब तक हमने एपी पढ़ा, एपी में एपी के बारे में पहले डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसकी जनरल टर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसकी जनरल टर्म कैसी होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी, और फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब हम उन्हीं एपी में किस टर्म्स का सम करेंगे फर्स्ट एन। ठीक है, जैसे कि मैं शुरुआत में ये सबसे बेसिक एग्जांपल ऐसा ही लिया हुआ था, ऐसे लिख दिए। अगर ये 100 तक है, ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट 100 टर्म्स का सम करके बताओ। फर्स्ट 100 टर्म 1 से ये सबका सम करो, ये वो चीज पूछ रहा हूँ। फर्स्ट 100 ये फर्स्ट 50 टर्म्स का सम बताओ, तो वो सम पढ़ेंगे। सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब शुरुआत से कर रहे हैं, 1 से फर्स्ट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, हम यहाँ पर ये पढ़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पहले एक सिंपल एग्जांपल से ही बात करते हैं, इसी वाले एग्जांपल पे बात करेंगे अभी। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है एग्जांपल, जैसे कि अगर पूछा जाता है इसके 100 टर्म्स का सम क्या है। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कंसीडर, ये वाला मैथमेटिशियंस का एग्जांपल है, उन्होंने नेचुरल नंबर लिया हुआ था 1 से लेकर 100, फर्स्ट 100 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, तो इसको हमने लेट कर लिए, लेट ये एस है और ये एस निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू 100 तक। 100 टर्म्स है टोटल, 1 से लेकर 100 टर्म्स तक, राइट। ठीक है, तो अब इन्होंने कैसे किया था देखो, जब फिर ये एग्जांपल से फिर इसको जनरल नंबर समझेंगे, फिर फॉर्मूला आप उसका ड्राइव कर लेंगे। देखें, इसको रिवर्स लिखो, है तो वही एडिशन तो कम्यूट करता है, उसको आप रिवर्स ही तो लिख सकते हो। चलो 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 डॉट 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 4 3 प्लस 2 प्लस 1 1 तक ही है। मैंने कुछ नहीं करा, इसको पलट दिया इस तरह। ठीक है, एस फिर भी हमें इसकी वैल्यू भी तो एस है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। तो अब दोनों इसको 1 नेम दो, चलो एक बार इसको 2 नेम दो, और दोनों को ऐड कर दो, LHS LHS ऐड, RHS RHS ऐड। देखो पैटर्न को समझना, S का तो हो जाएगा S प्लस S 2S, हमें S फाइंड करना है। 100 तो टर्म्स तो 100 ही है ना, यहाँ भी टर्म 100 है, यहाँ भी टर्म 100। तो आप एक बार इनसे ग्रुपिंग करो, कॉरेस्पॉन्डेंस देखो, इसकी लास्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से, इसकी लास्ट सेकेंड टर्म इसकी सेकेंड टर्म से, इसकी लास्ट थर्ड टर्म इसकी थर्ड टर्म, इसकी लास्ट फोर्थ टर्म, ऐसे करके कॉरेस्पॉन्डेंस देखो। तो अब एक चीज नोट करोगे, 100 प्लस 1 101, 99 प्लस 2 101, 98 प्लस 3 101, पता चलेगा सारे 101 ही आने वाले हैं, प्लस लास्ट 101। अब देखो ये कितने थे, ये कॉरेस्पॉन्डेंस जो बन रहे थे वो कितने थे, 100 थे टोटल, 100 ही, ये भी 100 ही होंगे ना फिर टर्म्स, 100 100, ये टोटल काउंटिंग करें अगर इनकी, तो 100 टाइम्स हम एक्चुअली 101 को ऐड कर रहे हैं। 101 को 100 टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या होता है, इसका सीधा 101 से 100 से मल्टीप्लाई तो करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एडिशन ही तो कर रहे हो उसको उतने ही टाइम्स। तो 2s इक्वल टू 101 मल्टीप्लाई 100, हमें s फाइंड करना था। अब तो देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो 101 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 2, और इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 और ये 505। लो भाई, ये 1 टू 100 का जो सम था वो ये है एक्चुअली, यही उन्होंने मैथमेटिशियंस ने किया होता है यहाँ पर। तो आगे इतना, अब इसके हम जनरल अप्रोच देखेंगे, ये हमने ऐसा कर कैसे पाया। ठीक है, ये इसमें अभी मैंने एपी कहीं यूज नहीं किया हुआ, ये तो बस एक थोड़ा ट्रिक, यही चीज हम उसके प्रूफ में यूज करेंगे और फिर उसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, ये तो था एग्जांपल जो उन्होंने किया हुआ था, उनसे पूछा गया था कि बताइए, उन्होंने तुरंत से इसको बता दिया कैलकुलेट करके। ठीक है, गॉस ने, ओके देखिए अब जनरल लेके चलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। एक ऐसी एपी लेंगे जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है उस एपी का, राइट। और वो जो एपी ले रहे हैं वो फाइनाइट एपी है और एन टर्म्स तक ले रहे हैं उसके, हमें सम भी एन टर्म्स तक ही निकालना है। ठीक है, तो उसकी जो लास्ट टर्म है वो एनथ टर्म जो है वही लास्ट है, एल है वो, राइट।
एन टर्म्स ऑफ इनिटी। तो अब हमने आगे बोला कि एन टर्म्स के समझो, और ये जो एन टर्म हो गया इसमें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो लास्ट टर्म यही तो होगी, आपकी यही लास्ट टर्म होगी। तो देखो एपी कैसी दिख रही होगी, ऐसी कुछ दिखेगी ना, ए प्लस डी, एपी कुछ ऐसी दिख रही होगी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसा चल रहा होगा। और लास्ट में तो लास्ट टर्म तो एल है ना, तो मैं इधर से बिल्कुल लास्ट टर्म लिखता हूँ एल, और इससे प्रीवियस क्या रही होगी, देखो डी है ना हर बार तो कॉमन डिफरेंस, तो इसमें अंतर कितने का है, डी से डी का ही तो अंतर है, डी ज्यादा है या डी कम है, तो ये एल है तो ये एल माइनस डी होगा ना इधर, तो ये जब एल माइनस डी है तो ये एल माइनस टू डी होगा, इसमें डी और घटा दो एल माइनस टू डी होगा, तो ये ऐसे ही तो चल रहा होगा है ना, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, चलते 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 थे लास्ट पता है, लास्ट हमने एल बोल दिया है कि जो एनथ टर्म है, एन नंबर की लास्ट टर्म है जिसका रोल नंबर एन है वो एल है, तो एल से जस्ट पीछे वाले एल माइनस डी लिख सकते हैं, तो उसमें डी माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस माइनस कर दिया, प्रीवियस प्रीसीडिंग, तो ये है हमारी एपी। इसका हमें सम निकालना है, तो इसका सम जो है हम जनरली हम एसएन से डिनोट करेंगे, जनरल स्टैंडर्ड है एसएन, एसएन का मतलब क्या है, ये है एसएन का मतलब, जैसे कि सम ऑफ, जैसे एस वन बोला है मतलब एक ही टर्म है वो सिंगल वे, एस टू बोला है तो उस एपी की फर्स्ट टू टर्म्स का ए वन प्लस ए टू, अगर एस थ्री बोला जाता है तो फर्स्ट थ्री टर्म्स ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, तो जनरल अगर फर्स्ट एन टर्म्स होगी तो वो एसएन होगा, मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर डॉट 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 प्लस ए एन, तो वो एसएन है, तो ये एसएन है, ठीक है, एन टर्म्स ले रहे हैं टोटल, ठीक है, ओके। अब यहां पर हम अपनी सुविधा के लिए यहां पर देखो क्या करते हैं, ये एसएन है, यहां पर मैं प्लस करके ही अब लिख देता हूं, प्लस प्लस यहां ब्रैकेट लगा ताकि टर्म अलग अलग पता लगे, ब्रैकेट, ठीक है, डॉट प्लस डॉट 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 प्लस ये प्लस एंड प्लस एल, तो ये एसएन है। अब उसी की तरह रिवर्स में लिखो इसको, ये एसएन मैं फिर से लिख रहा हूं, रिवर्स कर रहा हूं बस, लास्ट को यहां लिखता हूं, एनथ नंबर की टर्म को यहां लिख रहा हूं इसके साथ, मतलब अभी ये जब ऐड करेंगे एन माइनस वनथ नंबर की टर्म, उसका रोल नंबर एन था, इसका रोल नंबर एन माइनस वन होगा, तो वो यहां लिख रहा हूं, फिर ये एल माइनस टू डी होगा, कुछ ऐसे ही चल रहा होगा, चलते चलते इधर से कुछ ऐसे आ रहे होंगे ना, ए प्लस टू डी ए प्लस डी और वो लास्ट ए प्लस, हमने कुछ नहीं करा, रिवर्स कर रहे हैं इसको, रिवर्स कर दिया, जैसे अभी वाले एग्जांपल में करा था सेम वही है, बिल्कुल वही है, बस ये जनरलाइज्ड वे में है, ठीक है, तो यहां भी कॉरेस्पॉन्डेंस बनेगा जाए, क्योंकि वो भी एन टर्म्स है, उसमें भी एन टर्म्स है, इसमें भी एन टर्म्स है ना, तो वो एनथ से शुरुआत, फर्स्ट टर्म एनथ, इसके लास्ट सेकंड उसकी सेकंड, इसकी लास्ट थर्ड उसकी थर्ड, आपस में ऐड कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को ऐड किया, एलएचएस एलएचएस ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस ऐड होगा, और आरएचएस को कैसे करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हो आपको ऐड करना, तो एसएन प्लस एसएन तो हो जाएगा टू एसएन, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस एल, यही इसमें भी आ रहा होगा ए प्लस एल, इसको और इसको ऐड कर दो, आपको दो तीन देखना है बाकी फिर डॉट डॉट कर देना है, इसको और इसको ऐड करो, तो जरा एल माइनस डी को ऐड करना है ए प्लस डी से, तो डी से डी तो हर बार कटेगा, तो एल प्लस ए ही आएगा, मतलब यहां भी एल प्लस यही आने वाला है, ठीक है, आपको और सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप थर्ड टर्म भी देख लो करके, एल माइनस टू डी प्लस ए प्लस टू डी, तो वो भी यही आएगा, तो ऐसे पता चल रहा है कि जितनी टोटल टर्म्स है एन, तो एन की एन टर्म्स ए प्लस एल ही आने वाली है, मैंने डॉट 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 करके ही लिख लिया, कितने टर्म्स है एन है, वन टू थ्री फोर डॉट 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 लास्ट टर्म एन, राइट, इस वाले में क्लियर, तो देखो ये ब्रैकेट को देखो, ये ब्रैकेट सारे सेम है, ए प्लस एल ब्रैकेट ए प्लस एल सारे सेम है, और कितनी बार है एन बार ऐड किया जाएगा, तो सीधा सीधा हम ये ना कर दें, टू एस एन इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट, ये बेटर है, ये कर देते हैं, इन्होंने भी यहां पर ये किया हुआ, ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, बेसिकली हमें ये निकालना था, ये एस एन यही तो है फर्स्ट एन टर्म्स का सब, तो टू को डिवाइड में भेज देते हैं, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल, देखो ये भी एक फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म दे दी हो एन, तो सीधा यही लगा दो, एस एन का फॉर्मूला फर्स्ट एन टर्म्स, ये बन गया फॉर्मूला,
फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 100 टर्म, शुरू की 50 टर्म, कुछ भी हो सकता है। अब हमें जब कॉमन डिफरेंस डी दिया हो उसको कैसे है, देखो एल क्या थी, लास्ट टर्म थी ना, और लास्ट टर्म भी अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो लास्ट टर्म एनथ टर्म की इनकी ए एन ही तो लास्ट टर्म होगी, तो ए एन था ए एन तो ये था ना, ए एन तो ये था, इनकी एल क्या है यही, तो यहां रख दो, तो यहां से ये अपग्रेड हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट ए, और यहां पर एल की जगह रखेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन डी, तो देखो ए प्लस ए कितना हो जाएगा टू ए, तो एन बाई टू टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन डी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया है ये वाला एस एन का, मतलब दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। वैसे वो फॉर्मूले देखा जाए तो एक ही है, उसी को मैंने थोड़ा सा और अपग्रेड कर दिया है, ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हमें याद रखना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए एन माइनस वन डी, बड़ा ब्रैकेट लगाया है क्योंकि बाहर एन बाई टू भी है, इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा, अंदर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दी, तो ये है। और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन बाई टू ए प्लस एल, एल है लास्ट ऑफ दैट एपी जो भी फाइनाइट एपी होगी, ठीक है। तो देखो जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इसके अंदर अगर आपसे देखो अननोन क्या क्या है, एस एन है, एन है, ए है, एस एन है, एन है, ए है, डी है, अगर इन चार में से कोई तीन पता है तो फोर्थ निकाल सकते हो, यस, अगर आपको ए एन और डी पता है तो एस एन निकाल सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो भी एन दिया होगा 50 60 70 जो भी दिया हो 5 6 10 12, ठीक है। अगर एस एन दिया हुआ है और बाकी इनमें से कोई एक अननोन है, मतलब तीन दिए हुए हैं वो एक अननोन है, तो आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसके अंदर आपको ये अगर पता है, एन पता है, ये पता है, तो एल निकाल सकते हो, ठीक है ना, वो लास्ट टर्म निकाल सकते हो सीधा सीधा इसी फॉर्मूले से, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहां तक देखो ये क्लियर हो गया आपका, यहाँ पर दिया फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ये दिया है फर्स्ट एन टर्म इन्वॉल्व्स फोर क्वांटिटी, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज दी हुई है क्या कुछ, अब देखो आप कुछ रिजल्ट्स हम इसको यूज करके निकालेंगे और एक दो रिजल्ट्स देखेंगे क्या है। देखिए यहां पर अगर कोई एपी दी हो और जैसे कि ये देखो पहले एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं दे रहा हूं आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ठीक है, ये क्या है बेसिकली एस 10 है ये, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, ये एस 10। और अगर एस 9 लिखना होता तो आप क्या लिखते, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, एस 9, एक बार डिफरेंस करके देखो एस 10 माइनस एस 9 करके देखो क्या आता है। देखो जब एस 10 माइनस एस 9 करोगे तो ये इन सबके साइन चेंज होंगे तो ये सारे कट नहीं जाएंगे, इनसे ये बच जाएगा क्योंकि है ही नहीं, 10 आ गया, ये मैंने एग्जांपल से बताया एस 10 माइनस एस 9 इक्वल टू 10, और ये 10 बेसिकली कौन सी टर्म है, 10th टर्म है ना, ये तो उस एपी की 10th टर्म है। जनरलाइज वे पे आते हैं तो जनरल क्या हुआ, अगर हमें कोई एपी दी हुई है ठीक है और उसकी nth टर्म निकालनी है तो, और दूसरा हमें क्वेश्चन के अंदर या फिर कोई और कंडीशन, हमें एस एन दिया हुआ है और एस एन माइनस वन दिया हुआ, मतलब जैसे कि एस 10 और एस 9 या एस 70 है, एस कितना 69, एस 65, एस 64 ये दिया हुआ है, मतलब कोई एन नंबर तक का सम और उसे जस्ट पीछे वाले टर्म तक का सम दिया हुआ है, तो अगर इनका डिफरेंस करें तो ये बेसिकली nth नंबर की टर्म के बराबर आ जाएगा, वो उस एपी की nth टर्म आ जाएगी, यही दिया हुआ है इन एन एपी ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस। यहाँ जनरल प्रूफ भी इसका समझ सकते हो, जनरल प्रूफ कैसे करोगे, देखो मैं जनरल प्रूफ भी बता देता हूँ, वो एपी जो होगी तो उसका फॉर्मूला लगाना है,
एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एस एन माइनस वन का लगाओ एन देखो एस एन माइनस वन है ना तो यहाँ एन नहीं रखेंगे यहाँ एन माइनस वन रखेंगे ध्यान रखना इन ये चीजें ध्यान देने की होती है ठीक है टू ए क्योंकि ए पी तो एक ही है ना ए वही रहेगी एन माइनस वन रखा था ना यहाँ पर तो यहाँ पर क्या रखेंगे इसकी जगह पर एन माइनस वन रखेंगे एन माइनस वन में ब्रैकेट में लगा रहा हूँ सीधा ये लिख रहा हूँ ठीक है डी और ब्रैकेट क्लोज इसको सिंप्लीफाई करो पता चलेगा वो ए प्लस एन माइनस वन डी ही बचेगा देखो करते हैं सिंप्लीफाई तो ये होगा इसको ओपन ही कर दो टू ए टू ए एन अपॉन टू प्लस एन एन माइनस वन डी अपॉन टू यहां भी कर दो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए ब्रैकेट एन माइनस वन अपॉन टू और यहां भी माइनस करेंगे ये तो एन माइनस टू हो जाएगा एन माइनस वन और एन माइनस टू अपॉन टू डी ये हुआ। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ए एन और यहां पर ये और ये इनको सॉल्व करेंगे अभी हम और इनको देख लेते हैं ये टू से टू कट गया ए एन माइनस ए ये लिख लेते हैं ए एन और माइनस ए सॉरी माइनस बाहर भी माइनस लगा हुआ तो वो प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस ए एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ठीक है ना माइनस ए एन और प्लस ए ये तो इनको सॉल्व करने पर आ गए। अब रही बात इसकी और इस वाले टर्म की इसमें तो कुछ कॉमन ले लेते हैं देखो ध्यान से देखो एन माइनस वन डी अपॉन टू एन माइनस वन डी अपॉन टू पूरा कॉमन आ रहा है तो पूरा कॉमन ले लेते हैं एन माइनस वन डी अपॉन टू इसमें उसमें बचा कर यहाँ से एन बचा ठीक है और यहां से क्या बचा ये भी जा चुको ये जा चुको ये ये बचा है माइनस के साथ टू और ये ब्रैकेट क्लोज्ड ठीक है। अब यहां लिखता हूं देखिए ये हो जाएगा ये कैंसिल तो ये हो जाएगा ए और इसको ऐसे ही लिख लो अभी डी और यहां देखो ये ब्रैकेट ओपन करो एन माइनस एन प्लस टू ये कैंसिल बचा सिर्फ टू यहां पर तो ए प्लस एन माइनस वन डी अपॉन टू और यहां क्या बचा सिर्फ टू ही बचा वो टू इससे कैंसिल क्या रिमेनिंग बचा ए प्लस एन माइनस वन डी तो ये क्या था शुरू में हमने क्या लिया था ये लिया था ना एस एन माइनस वन और ये आया ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी ये हम पहले से जानते हैं किसी भी ए की जनरल टर्म होती है कौन सी होती है एनथ टर्म होती है क्योंकि यहाँ आए लो जनरल प्रूफ भी देखो एग्जाम्पल से भी देखिए ठीक है तो ये था यहाँ पर इसका ध्यान रखना इसको यहाँ देखो यहाँ लैंग्वेज में भी दिया हुआ है एस एन माइनस वन जो होता है फर्स्ट एन टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स वो आता क्या है एनथ टर्म आती है बेसिकली लर्न कर लो उसको। अब देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर पर दिया हुआ है जनरल फॉर्मूला आपने ये शायद शुरुआत में कहीं ना कहीं पढ़ा हो मे बी नाइन्थ क्लास में मुझे लगता है पढ़ा है कहीं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम आई थिंक पढ़ा है सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा है कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब क्या वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर नेचुरल नंबर ले रहा हूं वन प्लस टू फोर डॉट 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 प्लस एन मतलब उसका जो रोल नंबर है वही टर्म वो है जैसे सेकेंड टर्म टू है थर्ड टर्म थ्री है फोर्थ टर्म फोर है एनथ टर्म एन है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है इसका सम साफ दिख रहा है हमें कि इसकी जो सीक्वेंस इसकी जो टर्म्स है वो एपी बना रहे हैं जहां पर ए वन है और डी कितना है वन है राइट और अगर इनका सम करें यानी कि एस एन एन टर्म्स तक का सम है ना तो एस एन लिखेंगे सम प्लस तो एस एन क्या आएगा फॉर्मूला लगाओ अब हम सीख चुके हैं फॉर्मूला तो फॉर्मूला लगाएंगे तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये आएगा देखो तो एन तो एन ही रखना है क्योंकि हमें एन तक का सम निकालना है एन कुछ भी हो सकता है कितने भी तक का नेचुरल नंबर हो सकता है ए और डी की वैल्यू रखो एन तो एन ही रहेगा
ये वन हो गया, और यहाँ डी वन रखेंगे तो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ वन ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, या ब्रैकेट भी खोली तो एन माइनस वन, राइट। नेक्स्ट एन बाई टू, टू ये सिर्फ टू बचा, और टू माइनस वन वन, सिर्फ ये बचा, तो फॉर्मूला बन गया एन एन प्लस वन बाई टू। ये तो फॉर्मूला था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, जो सम होता है वो एन एन प्लस वन बाई टू होता है, कोई भी सम ले लो, चलो पहली दस ले लो, तो यहाँ पर टेन रखेंगे और टेन प्लस वन इलेवन रखेंगे, डिवाइडेड बाई टू पांच, लो आगे गॉस ने यही तो किया था, ठीक है, यही किया था गॉस ने, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला बन गया। तो इतना कंसेप्ट था आपका 9.3 का, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये था लास्ट टॉपिक, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एनी एपी, अगर एपी बना रहा हो तो उसका सम पर, ये एपी में ही वर्क करेगा ये फॉर्मूला, ध्यान रखना, ये और किसी में नहीं वर्क करेगा, सिर्फ एपी में वर्क करेगा, एपी है तो ही ये फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट एन टर्म्स का, ठीक है। अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ये बेसिक एग्जांपल वही देख लेते हैं। यहाँ हमें फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, एट थ्री माइनस टू डॉट 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 टू 22 टर्म्स। अब इसे टर्म नहीं बताए, बस ये बोल दिया कि 22 टर्म्स तक, ये 22 टर्म्स एक्चुअली वो 22 एन एफ ए एन 22 नहीं है, ये उसका रोल नंबर है, सीरियल नंबर है उसका, ऐसा समझिए, ठीक है, अप टू 22 टर्म्स। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है S22, आपसे S22 पूछ रहा है, तो S22 जाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, ये रहा 22 है, ए पता होना चाहिए उस एपी का 8 है, और डी पता होना चाहिए, तो 3 माइनस 8 कर दो माइनस 5, वो भी पता है, सब पता है, ठीक है, तो वैल्यूज रखनी है, तो गिवन है हमें ए 8, डी 3 माइनस 8 दैट मीन्स माइनस 5, और एन कितना है 22, S22 निकालो, तो रखिए यहाँ पर इक्वल टू एन बाई टू, चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ, शुरुआत है तो अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप ही लर्न हो जाता है, यहां भी मैं एस एन लिख देता हूँ, एस एन डी इज, अब लिखो S22 इक्वल टू एन रखिए यहाँ पर 22 बाई टू, टू ए कितना है 8, एन 22 माइनस 1, और डी कितना है माइनस 5, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ, ठीक है, ऐसी गलती मत कर देना, पता चले आप यहाँ पर ऐसे करके लिख दो तो इसका एक अलग मीनिंग होता है, क्या मीनिंग है आप जानते हो, ब्रैकेट खोलने का मतलब वो ये कि मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा है, तो आपको ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है, ये कट जाएगा तो 11 आएगा, इसे से 11 ये 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये 20, अब ये माइनस यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस, और ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, क्योंकि माइनस वहाँ लिख दिया मैंने, अब सिंप्लीफाई कर लो तो 16, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5105, ठीक है, तो ये आंसर इनका कितना आ रहा है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -97 नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो ये S22 था फर्स्ट 22 टर्म्स तक, इसी एपी में शुरू से लेकर 22 टर्म्स तक, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस डॉट 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 प्लस A22 तक, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट A22 तक, ठीक है, वो सब है, ओके, अब आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल, चलो ये वाला और देख लेते हैं, ये शायद आप कंफ्यूज हो, फोर्थ पार्ट इसी का, इसमें n अननोन ही रहता है एंड तक, देखते हैं फोर्थ पार्ट, यहां हमें जो सीक्वेंस दी हुई है वो ये दी हुई है कॉमा 7 माइनस इस कॉमा 10 इस कॉमा डॉट 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 एन टर्म्स तक, एन टर्म्स, तो ये एपी दी हुई है हमें यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्वेश्चन में कह रखा है ये एपी है, फर्स्ट टर्म क्या है उसकी ऐसी है कुछ, मैं प्लस करके लिखूं यहीं पर, प्लस कॉमा लगा के प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस डॉट 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 एन टर्म भी कुछ रही होगी है ना,
एन एट टर्म भी। अब एन टर्म है, ए ओ डी से मतलब है, प्लस एंड अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म प्लस करके मैंने ऐसे लिख दिया। वो बताया नहीं मेरे क्या है, जरूरत भी नहीं है। अब एन टर्म्स ए क्या है, ए तो यही है, ये ही है। डी क्या है वो निकालना पड़ेगा, तो डी इन्होंने भी माइनस करके निकाला होगा। तो कोई भी लेते हैं टर्म, ये लेते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, तो सेवन माइनस टू बाई एन ब्रैकेट माइनस ए वाली टर्म, फोर माइनस वन बाई एन ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेवन माइनस टू बाई एन माइनस फोर माइनस वन प्लस वन बाई एन, ठीक है। अब किसको किसके साथ, देखो फोर तो इसके साथ ही थ्री हो जाएगा, बचा ये और ये, इसको प्लस लगा के ऐसे लिख लेते हैं वन बाई एन और ये वाला टू बाई एन। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एक साथ लिख सकते हैं थ्री और ये हो जाएगा एन और ये माइनस का है, तो कुल मिलाकर ये ऐसा ये डी आ गया। ओके ये था हमारा डी, सिंप्लीफाई कर दिया राइट। मैं इसको रब कर देता हूँ फिर इसलिए, तो डी क्या है, डी इक्वल टू थ्री माइनस वन बाई एन, ये है डी। हमें निकालना है एस एन, उसने एस एन पूछा, एन नहीं बताया उसने, एन की वैल्यू एन ही रखनी है राइट। तो एन बाई टू, अब मैं वैल्यूज रख रहा हूं, टू ए, ए क्या है ये ब्रैकेट लगा के लिखना है, ये ए है, प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूले वाला है, डी क्या है ये है डी थ्री माइनस वन बाई एन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको, एन बाई टू ये ओपन कर दो, ये हो जाएगा एट माइनस टू बाई एन, फिर यहां पर एन माइनस वन थ्री माइनस वन बाई एन, ये हो गया ठीक है। अब इसके बाद ये ओपन कर दो ब्रैकेट साथ सारे, ये मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। यहां मैं लिखता हूं एन बाई टू एट माइनस टू बाई एन, एन का इससे करेंगे तो हो जाएगा थ्री एन, एन का इससे करेंगे तो एन मल्टीप्लाई वन बाई एन, एन से एन कट जाएगा ना, चलो लिख ही देता हूँ पर एन इंटू वन बाई एन, इसका इससे क्या इससे क्या। अब इसका माइनस वन का करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस वन का करेंगे वन बाई एन से तो प्लस का वन बाई एन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ वन बचेगा, तो ये क्या आएगा एन बाई टू एट माइनस टू बाई एन, टू बाई एन थ्री एन प्लस थ्री एन माइनस वन माइनस थ्री प्लस वन बाई एन, ये है थ्री एन माइनस वन माइनस थ्री। ओके तो ये माइनस फोर और माइनस फोर और एट प्लस फोर, अगले स्टेप पर करते हैं, ये अब कर देता हूं देखिए। एन बाई टू ये और ये मिलाकर हो जाएंगे प्लस फोर, ठीक है। इसको और इसको कर सकते हो, देखो डिनोमिनेटर सेम है ठीक है पहले की तरह, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई एन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब कर सकते हो पूरा स्टेप, और ये प्लस थ्री एन, ठीक है इतना है थ्री एन प्लस फोर, हाँ ओके। फिर उन्होंने क्या किया है, अंदर n का मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम लिया हुआ है, अंदर एलसीएम ले लिया अपॉन में वन, बाहर रखा n बाई टू पूरा n। क्यों कराया, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ एलसीएम n आएगा ठीक है, अपॉन ये और ये कट जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे राइट। तो अब एलसीएम यहाँ वन है, तो यहाँ पर n से डिवाइड करेंगे तो फोर एन हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी n है, n का n से डिवाइड करेंगे वन, वन माइनस वन, वन का यहाँ पर डिवाइड कितना आएगा एन, एन का यहाँ करेंगे तो थ्री एन मल्टीप्लाई एन एन स्क्वायर, ये हो गया ठीक है। अभी आपने नंबर्स में सेकल्सिन किए होंगे, जनरल बहुत कम किए होंगे इस तरह, तो इस तरह आप करना ठीक है। वैसे किए हुए हैं थोड़े बहुत, ऐसा नहीं बिल्कुल अननोन है, क्वेश्चन तो सॉल्व की हुई है ना। एन बाई टू ये क्या बना, थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन माइनस एन अपॉन एन, एन से एन ये भी कट सकता है
बचा क्या? बस यही आंसर है ना, इसको मैं एक बार यहां लिख देता हूँ बस। एसएन क्या आ गया? बचा क्या? 3n² + 4n - n/2। देखा जाए तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है एसएन। अब आप कहीं ये मत कंफ्यूज हो जाना कि ये तो भाई 2 डिग्री का आ रहा है, लेकिन है भी तो सम, ध्यान रखना एन टर्म नहीं है, सम है, एसएन है, ठीक है। तो ये था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दैट एपी जो भी हमें दी हुई थी। ओके फिर एग्जाम्पल 6 का एक क्वेश्चन बता देता हूँ, देखिए। उसी एपी में फर्स्ट a1 + a2 + a3 + a9 उनका सम है, a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 वो है s9, ठीक है। फाइंड a, अब सर a पूछा है, पूछा गया है तो l क्या है? l अब sn का रखो यहां पर, देखो sn दिया हुआ है, l दिया हुआ है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी नहीं, कहीं भी नहीं दी, निकाल भी नहीं सकते। तो sn का दो टाइप के फॉर्मूले बताए हमने, जिसमें एक ऐसा वाला फॉर्मूला जिसमें l भी इन्वॉल्व होता था, वही वाला यूज कर लेते हैं। तो sn इक्वल टू n by 2, ठीक है, क्या हो जाएगा a + l, ठीक है। तो s9 दिया हुआ है ना, तो n यहां पर 9 ले लेंगे, तो s9 = 9/2, और a निकालना है, l दिया हुआ है, इसमें s9 भी पता है, अगले स्टेप में उसकी भी वैल्यू रख दो। सिंप्लीफाई तो करना है, 2 को वहां मल्टीप्लाई में भेज दो उधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 20, उसको डिवाइड में भेज दो, शायद कट रहा होगा, 8 + 288 / 9, इसको 9 से काटो, ठीक है, 18, ठीक है, 27, 3, 1, 32, a+, ये हो जाएगा 32 - 28, तो कितना आ जाएगा ये 4, a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से दिया होगा, आपको देखना होगा हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब इसमें एक थर्ड पार्ट है जिसमें n की वैल्यू जो आप निकाल रहे हो, तो क्योंकि वो क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो वैसे n की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस आ रही है एक माइनस आ रही है। अब आपको पहले से जानते हो कि n क्या होना चाहिए, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे बस, ठीक है। ओके एक 9 क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 9 कह दिया हुआ है, गंदा हो गया। एग्जाम्पल 9, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन। बोला है हाउ मेनी, 9 दिया है, 17 दिया है, 25 दिया हुआ है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, हाउ मेनी टर्म्स, हम कितनी टर्म्स ले एपी में, शुरू से कितनी ले टर्म, जिससे कि वो जो सम है वहां तक का सम 636 बन जाए। क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि शुरू से लेकर कितनी टर्म्स, लेट्स से एन टर्म्स लेते हैं, शुरू से एन टर्म्स लेते हैं,
SN, तो SN क्या बनाया जाएगा, जिससे कि उन्हीं का सम n टर्म्स तक का, शुरू से n टर्म्स तक का सम 636 बन जाएगा। तो लेट लेट SN बी 636, SN ही तो 636 दिया हुआ है और उसको निकालने के लिए हमें SN दिया हुआ है और उसमें क्या था n हमें निकालना है, ठीक है ना। ऐसे कि कहां तक ले, हमें उन्होंने पूछा हुआ है, ए इससे पता लग जाएगा, डी इससे पता लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो दिया हुआ है, हाँ अच्छा, एपी भी, एपी दिया हुआ तो मैं वेरीफाई भी नहीं करना है, वो एपी है या नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ, तो ए लिखो यहाँ पर, ए है 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8, राइट, घटाएंगे तो डी ये आ जाएगा 8, 17 माइनस 9 या फिर 25 माइनस 17, तो 8 आ जाएगा। नाउ SN इक्वल टू एन बाय 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। SN दिया हुआ है 636, एन हमें फाइंड करना है, ए दिया हुआ है कितना है ये 9 है, और एन माइनस 1 डी ये तो कुछ नहीं कर सकते इसका, 8 सिंप्लीफाई करना है जस्ट। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, ये 2 और यहाँ 8 है, मतलब इसमें से यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेकर बाहर यहाँ ला सकते हैं और वो 2 कैंसिल हो सकता है। आपको छोटे पद जाना है, मतलब बड़ा नहीं करना है क्वेश्चन को, तो आप कर सकते हो, 9 और ये n माइनस 1 यहाँ 4 बचेगा तो ये कैंसिल, ठीक है। आप नहीं भी करते अपने तरीके से करते तो भी आ जाता, ठीक है, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब आया 6 इक्वल टू एन 9 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस 4, तो इधर करते हैं 636 इक्वल टू n और ये 9 माइनस 4 हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 4n प्लस 5, राइट। ध्यान से देखना अभी क्वाड्रेटिक बनने जा रहा है, तो ये हो जाएगा, सबको एक ही तरफ ले लेते हैं, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो 0 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। देखो बन गया क्वाड्रेटिक वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इन द वेरिएबल n, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ है हमने, तो देखो बड़ा नंबर दिख रहा है तो क्यों इतनी मेहनत करें हम इसको फैक्टराइज करने में, सब रहा हो पता नहीं वो एप्लीकेबल हो भी ना हो, हो सकता है कैसा कोई इरेशनल आ रहा हो व्हाटएवर, तो सीधा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव तो मैं प्लस कर देता हूँ, 4 ए 4 है, सी 636 अपॉन 2a वो कि 8 है, सिंप्लीफाई कर दो इसको, माइनस 5 प्लस माइनस 25, फिर तो मल्टीप्लाई करना है और एडिशन वगैरह सिंप्लीफिकेशन करना है, 16 और इंटू 636 अपॉन 8, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। इन्होंने भी क्वाड्रेटिक ही लगाया हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है। तो जो रूट्स आ रहे हैं आपके इसके सॉल्यूशन, एक एन की वैल्यू आ रही है 12 और एक आ रही है माइनस 53/4, तो ये तो नेगलेक्टिव है भाई, रोल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको तो नेगलेक्ट ही करेंगे, दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक्चुअली हमें ये पता लग गया है शुरू से लेकर 12 टर्म्स हैं, वो अगर हम ले लें एस 12 शुरू से लेकर 12 टर्म, तो वो सम यही आने वाला है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। लास्ट एक दो क्वेश्चन में देख लेता हूँ, 29 एग्जांपल देखते हैं, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर फर्स्ट पार्ट डिविजिबल बाय 9, सेकंड पार्ट नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200, तो देखो पिछले एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि मैंने क्लास में बताया था कि ऐसे भी हम पहले शुरुआत कैसे करते हैं, इसने बोला है कि पहले तो इंटीजर्स लिखो बिटवीन 100 एंड 200 जो कि डिविजिबल हो, 100 और 200 के बीच ऐसे इंटीजर्स लिखेंगे जो 9 से डिविजिबल हो,
100 से बाद देखो पहला कौन सा ऐसा नंबर आता है, तो ये आप ये आपको चेक करना पड़ेगा, तो 108 आता। अब आप इसमें 99 ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट आता चला जाओ, क्योंकि हमें 9 का ही डिविजिबल देखना है, ठीक है। तो ये 108 आ जाएगा, फिर 116 आ जाएगा, फिर ये 126 आ जाएगा, और 200 से जस्ट पहले एक फाइंड कर लो, चेक करके हो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो जस्ट पहले 200 से जस्ट पहले जो आ रहा है वो 198 आ रहा है, जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हमें इसके बीच के ये पैटर्न पता लग गया, तो ये तो एपी बना रहा है, साफ दिख रहा है जहां पर ए 108 है और डी क्या है 9 ही होगा, देख लो 9 ही होगा। और लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर बोला फाइंड द सम, n भी पता होता तभी तो सम निकाल पाओगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये है। अच्छा एक और चीज है, आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ना निकाल के, वो लंबा मेथड हो जाएगा, लास्ट टर्म वही तो होगी ना, इसको n ले लो सीधा लगा दो फॉर्मूला, वैसे भी तो निकाल ही सकते हो ना, एन तो फिर भी चाहिए, हाँ एन चाहिए हमें फिर भी, एन तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके फिर भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये है एन टर्म, तो ए एन बी 98 लास्ट टर्म, ये है एन टर्म, उसको मान लेते क्योंकि हमें एन निकालना है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी रखते हैं, 198 ये हो जाए। तो ए पता है, डी पता है, एन निकालना है, यानी कि हमें वो पता लग जाए वो लास्ट टर्म कौन सी है, कौन से नंबर की है, ठीक है। तो ए रख देंगे यहाँ पर 108, एन माइनस वन डी है 9 इक्वल टू 198, यहाँ से देखो 9 कॉमन आ रहा है और डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ से 9 से डिवाइड करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एन माइनस वन, 9 डिवाइड में मैंने कॉमन लिया, चलो लिख ही देता हूँ 198, ठीक है। तो 12 प्लस ये खोल दो अंदर, ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 11 प्लस एन इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 9, 11 प्लस एन, ठीक है। काटो इसको, ओके एक गया, ये 22 आ जाएगा, तो एन इक्वल टू 22 माइनस 11, दैट मीन्स 11। तो लास्ट टर्म जो है ना वो 11 नंबर की है, 11th टर्म है, 11th टर्म है, एन पता लग गया, राइट। ये यहाँ का दिया हुआ 11, अब करते हैं सम, अब तो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ दिस, जो इसके बीच जो ये टर्म्स थी इन सबका सम, तो हमें निकालना है एस 11, इसी के बीच जो थी एस 11 निकालना है, तो एन बाय टू 11 बाय टू 2 ए प्लस एल भी रख सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, तो एल 108 में सीधा ए प्लस एल लगा देता, ए प्लस एल, एल है 198 सीधा निकाल देते, क्यों कैलकुलेशन करेंगे, हम कर चुके एक बार, 11 बाय टू एड कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कैरी 03306, इसको 2 से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करो, राइट, 3 और यहाँ हो जाएगा 8516, ठीक है, 1683 ये आ रहा, ये हमारा जो है सम दिया हुआ है किसका, इसके अंदर जो 9 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स थे ना वो सबका सम आ गया। सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है कि इनके बीच वो भी नंबर होंगे जो डिविजिबल नहीं है उनका सम बताओ, कहा है ना सेकेंड पार्ट में, नॉट डिविजिबल हुआ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जरा उनको भी, उन पर भी ध्यान देते हैं जरा, तो ये तो वो वाले हैं, ये वाले नंबर्स हैं तो हमने अभी निकाला है, तो 9 से डिविजिबल थे। 100 से 200 भी ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं, बहुत सारे हैं जो डिविजिबल नहीं है, तो कौन से नहीं, इनको छोड़कर लिखो सारे, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, और 8 नहीं लेंगे क्योंकि वहां दिया हुआ है वो डिविजिबल है 9, ऐसे करते करते लोगे ना, और कहां तक 199 तक लोगे ना, यही दिया होगा इन्होंने भी, ठीक है ना, 101, 102, 103 एंड सो ऑन डॉट डॉट 199, उससे आगे जाना नहीं क्योंकि 200 के बीच ही लेने। तो ये वो नंबर्स हैं ये वाले जो डिविजिबल नहीं है 9 से, इन्हीं का समय में और पूछा गया सेकंड पार्ट में, तो यहां तो कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, देखो यहां तक तो पैटर्न नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और यहां जाकर पैटर्न खराब हो गया, तो ये एपी तो नहीं है, तो डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, फिर क्या करोगे,
तो सेकेंड पार्ट में देखो, अब ये भी तो कर सकते हो, यहां देखो यह दिया है दीज नंबर फॉर्म एन एपी एन 99। नहीं कैसे बनेगा, यहां दिया है 101, 103, 109, 108, तो नहीं सम ऑफ इंटीजर्स 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके देखो ये जो है यहां तो पैटर्न नहीं बना है, बट उस पे ध्यान दो, दोनों को ले लो। दोनों को लेने का मतलब क्या है कि अगर आप 100 से 200 भी सारे नंबर्स ले लें, सारे इंटीजर्स ले लें, तो वो कैसे बनाएंगे, वो तो ऐसे ही होंगे ना 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 प्लस 108 एंड सो ऑन डॉट डॉट 199 सारे नंबर्स ले लिए। इसमें दो टाइप के हैं, एक डिविजिबल बाय 9 है, एक डिविजिबल बाय 9 नहीं है, दोनों ले लें वो तो निकाल सकते हैं। अगर उस सम में से ये फर्स्ट पार्ट वाला डिविजिबल वाला सम माइनस कर दें तो वो नंबर्स का सम आ जाएगा जो डिविजिबल नहीं है, ऐसा करेंगे क्योंकि इसमें तो पैटर्न ही नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो वही इन्होंने भी किया हुआ है यहाँ पर, तो उन्हीं का सम निकाला है, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। वो तो उनका, तो उनका ए क्या है 1, उनका डी क्या है 1, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी कितनी होंगी वहां पर, ध्यान से देखो टोटल नंबर ऐसी कितनी हो सकती है, तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर निकालेंगे। देखो 99 ऐसी टर्म्स आएंगी जो कि हमने 199 लास्ट टर्म है ना, उससे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए दिया है, डी दिया है और लास्ट टर्म ए 99 है, ठीक है। तो उससे एन पता लगा सकते हैं कि वो कितनी टर्म्स होंगी 100 से 200 के बीच सारे नंबर्स में, टोटल नंबर्स देखें अगर कितने होंगे वो 99 ही होंगे, साफ साफ दिख रहा है 100 से 200, ऐसे भी दिख रहा है 100 से 200 के बीच 100 को हटा के 101 से 199 तक कितने जा रहे हैं जाके, क्लियर, क्योंकि वो काउंट नहीं कर रहे, एक काउंट नहीं हो रहा है, तो टोटल 99 वैसे तो 100 हो जाते अगर उसको भी काउंट कर ले, तो 99 टर्म्स है। तो इसका सम निकाल लेंगे, अब क्या लिखोगे वही 99 डिवाइडेड बाय 2 और ए, ए क्या है 1 और लास्ट टर्म तो ये है ना, तो मैं सीधा इसी को लिख देता हूँ, राइट। तो इसका हो जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 200, ये कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 100, राइट। तो अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, फर्स्ट टर्म ये थोड़ी ना है, फर्स्ट टर्म तो 101 है, सॉरी 101 है, ठीक है 101 ये थी ना 101। अब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 99 डिवाइडेड बाय 2 101 प्लस 19, ठीक है। तो ये ऐड कर दो, ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 200 300 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करिए 150 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आ जाएगा आपका 4850, राइट। इसका सम टोटल का सम है और उसमें से डिविजिबल वाले माइनस कर दो तो नॉन डिविजिबल वाले आ जाएंगे, वही है दिया हुआ, ठीक है। तो टोटल थे वही थे, उसमें से 9 से डिविजिबल वाले पिछले वाले फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था 1683, तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13167। ये वो नंबर्स का सम है जो कि 9 से डिविजिबल नहीं थे, राइट। तो ये है, इस तरह करना है, ठीक है। ओके तो इतना ही काफी है, अब इसमें तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 19 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 9.3 में, तो इसके बाद आप कर सकते हो आप क्वेश्चंस, ठीक है। ओके थैंक यू।